हाय दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। ये मैं बालाजी आया हूँ। यहाँ पे मंगलवार को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। मंदिर आज तो खुला नहीं है, बस मैं थोड़ा बाहर हूँ। ऐसे थोड़ी आपको लोकेशन लोकेशन दिखाऊंगा। इसके बाद मैं आपको बटेश्वर की सीन दिखाऊँ। वहाँ पे 101 मंदिर है। यहाँ के आप थोड़े बहुत मंदिर देख लीजिए। सामने मेन मंदिर है। मंदिर बंद है। चलो, ये है एफएस कॉलेज। ये मेरा कॉलेज है। देखिए, ये जस्ट बगल में ही नहर है। इसका ठंडा पानी अगर कोई भी इसमें नहाएगा ना, बता नहीं सकते क्या हो जाएगा उसे। आप ये नहर की लोकेशन देखिए। बढ़िया लोकेशन देखिए और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बढ़िया बढ़िया वीडियो ले आएंगे आपके लिए। ये बगल में हाईवे है। हाय दोस्तों, मैं आपको ये पीछे की हरियाली और आपको भट्टा दिखाऊंगा जहाँ पे ईंटें बनती हैं। आप अभी ईंटें बन तो नहीं रही हैं, अभी बंद है। ठीक है, सुबह अभी तो फिलहाल बंद है, मैं चलता तो है। ये ईंटें और ये दिख रहा है ना आपको, ये गेट था। इसमें अंदर ईंटें डाली जाती हैं मट्टी वाली और इसको बंद कर दिया जाता है, जिससे कि ईंटें एकदम पक्की होके, मतलब पक जाती हैं, रेड हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं और टूट नहीं सकती हैं।
और ये भट्टा है, ये ईंटें हैं, ईंटें रखी हुई हैं, ये ऊंचा भट्टा है, बहुत ऊंचा है। अब आपको खेत दिखाते हैं, ये खेत है, सामने आलू है, ये भाई राम राम, ये पीछे कच्ची ईंटें लगी हुई हैं। तो ये ईंटें हैं, ये आपको जूम करके दिखाते हैं थोड़ा, ये ईंटें हैं कच्ची, और जब ये अभी ये बनी हुई है, ये कल इसे पका दिया जाएगा, मतलब इसमें जो ये गेट है ना, ये इसमें डाल के अंदर रख दी जाएगी, और ऊपर इसमें ये भट्टा है, इसमें आग लगा दी जाएगी जो पूरी सारी ईंटों को पकाएगा, और ये ऊपर तक ये दिख रहा है, ऊपर इसका धुआं निकलता है, और ये गर्म होके ईंटें ये पक जाती हैं, रेड हो जाती हैं, काफ़ी रेड हो जाती हैं, ये पक्की भी बहुत हो जाती हैं, इसमें कुछ कच्ची भी हो जाती हैं, जो कच्ची होती हैं वो तो नींद नींद भरी जाती है, उसके लिए होता है।